हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम क्राफ्टिंग करने वाले हैं एक नए हाउस की, और काफ़ी मेहनत लगे इस हाउस को बनाने में, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने जगह ले ली है, जो अपनी जगह है, और उसमें मैंने जो है निशान भी लगा दिया है जहाँ जहाँ पर हम पिलर खड़े करने हैं। तो जल्दी जल्दी जो है हम पिलर खड़े करते हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि हम जो है ये कलर जो है कुछ अलग ही लेंगे, सब डिज़ाइन ऐसे नहीं कि बिल्कुल कलरफुल लेंगे, तो कुछ अलग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर पिलर हमारे खड़े हो गए हैं, तो अब इसे जो है नीचे से ग्राउंड, क्योंकि दोस्तों हमें जो है नीचे जो है इसके नीचे ग्राउंड के नीचे इसमें भी जो है पार्किंग करनी है, मतलब कि नीचे जो है एक हमें पार्क बनाना है शानदार सा इसके नीचे, और जो घर बनाएंगे हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से क्राफ्टिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बना दिया है, तो बीच में कैसे ब्लैक ही ठीक रहेगा, ब्लैक नहीं इसी कलर का ठीक रहेगा ये सेम। तो जल्दी इसे करते हैं पूरा, क्योंकि ये दोस्तों ये जो है निचले वाले पार्क की जो छत है ये है बेस आराम से। तो इसका बन चुका है बेस, इस तरीके से देख सकते हो आप, इस तरीके से, क्योंकि छोटा घर है और शानदार बनाएंगे, ऐसे नहीं कि ज़्यादा लंबे चौड़े में हमने घर फैला दिया और फिर मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पर थोड़ी जो स्टारियाँ हैं इसकी सीढ़ी वगैरह ये बना दी, ये देखो कुछ अलग करना दोस्तों इसमें, कुछ अलग के बिल्कुल मिला देनी है, बिल्कुल अच्छी तरह से जो देखने में कुछ घर सा लगे, हाँ कुछ चीज़ बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने हमने बना दी है सीढ़ियाँ, इसे भी सेट करते हैं बिल्कुल बीच में, क्योंकि फिर ऊपर चढ़ने लायक जो है बिल्कुल अब इस तरीके से होगी इसकी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, आप देख सकते हो किस तरीके से हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से दोस्तों पिलरों के ऊपर से अपने पिलर चलाते हैं और कॉलम धरते हैं पाँच पाँच चार चार गोलों के बीच में, यहाँ पर हमने धर दिया है ये बीच में। कलर मेरे को येलो अच्छा नहीं लग रहा, चलो एक बार लगा कर डाल के देखते हैं, अगर ये कलर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे चेंज करके दूसरा बदल देंगे। पहला अपना जो पिलर वगैरह है ना लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों एस टू एस मतलब आमने सामने जो है हमें धरना है जो, तो ये कुछ खास ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है रंग बिरंगा सा तड़कता सा कलर लग रहा है ये। दूसरा कलर चेंज करते हैं कुछ, यही ठीक लग रहा अपना, या फिर वाइट जमेगा बढ़िया, वैसे वाइट इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा ये लगेगा। तो फिर हम जो है पहले बना लेते हैं विंडो भी अपनी देसी विंडो है, आप देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों हम अच्छी तरह से जो है शीशा लगाएंगे, आप बता देना मैं बताऊँगा, आप कमेंट में बताइए कौन सा शीशा लगाना है। वैसे आप इस घर को देखिए पहले किस तरीके से हम पूरे को क्राफ्ट करते हैं घर को। तो ये हो गया दरवाज़ा अपना, और ये चारों तरफ से जो हो गया ये होगी तीनों विंडो के हम बाहर से देख सकते हैं अंदर जाके कुछ भी, और ऊपर से जो है यहाँ पर इसे पहले बनाते हैं, इसकी डिज़ाइन करते हैं ऊपर से अलग अलग से, क्योंकि हमें दोस्तों ये छत की लिए कर्व करना है इसे कर्व स्पेस की वजह की तरह। डायमंड कट ले लिए हमने यहाँ पर, कलर दूसरा चेंज कर दिया है जो कि टाइल पत्थर वगैरह का आता है कलर, इधर से भी इसे ऐसे लेते हैं। ये हो गया दोस्तों अपनी हो चुकी है छत बनकर, मतलब कि ये कर्व है अपनी जिसे बोलते हैं अटारी वगैरह बोलते हैं, वो ये बनकर तैयार हो चुकी है, एक साइड से होगी। अब आया इसका बैक, इधर से लेते हैं पहला, फिर बैक करके जो है ना इसे पूरे को पाटना भी तो है अभी। ये हो गया, ये इधर से ले लिया। वैसे दोस्तों ये घर बना तो है वैसे काफ़ी देर में, लेकिन आपको मैं थोड़ा स्पीड कर दी मैंने इसे बनाने में, क्योंकि ऐसा ना अगर मैं आपको मंदा दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने जहाँ जहाँ से अच्छी अच्छी जगह से काट कर इसे वीडियो को जब तैयार करा है। तो यहाँ पर बिल्कुल करोड़ शेप में से तैयार करते हैं छत को, ये हो गई। तो बीच में यहाँ पर शीशा लगाएंगे या बंद कर दें, तो बंद कर देते हैं इसको, शीशे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना बारिश पड़ेगी या फिर ज़ोंबीज वगैरह रात को आते हैं तो दिक्कत फिर हमें हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सेम हो गया बिल्कुल डायमंड कलर का, जो कि वाइट पर डॉट हैं जो पत्थर के डॉट हैं। ये हो गया दोस्तों हवा वगैरह के निकलने के लिए, अंदर उजाले के लिए शीशा लगा देंगे इसमें भी, क्योंकि शीशे से जो है ना और शानदार लगता है शीशा लगाने के बाद। इधर भी थोड़ा ऐसे कर देते हैं और इधर भी थोड़ा शीशा लगा देंगे, यहाँ ठीक रहेगा। तो आमना सामना शीशा हो गया, ये हो गया शीशा, दोनों तरफ हमने जो है शीशा सेट कर दिया है। अब बचा काम नीचे अंदर का और बाहर का, क्योंकि काम तो अभी सारा बच ही रहा है इसमें। इधर शीशा लगा दिया विंडो में, इधर लगा दिया और इधर लगा दिया, ठीक लग रहा है दोस्तों शीशा,
वैसे देखने में तो ठीक लग रहा, पर कोई नहीं, अगर आप बाद में अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर हटा देंगे। अपने घर की खेती है, जब जी करे जब लगा लो, और जब जी नहीं करे जब हटा लो। तो यहाँ पर अपने पिलर ऐसे के ऐसी हैं, इन पर डायमंड जो है डायमंड कलर के ये धर देते हैं सारे में। ये हो गई, ये आपकी जो है विंडो हो गई, तो इधर से इसे बंद कर देते हैं। ये लगा दी दोस्तों हमने ग्रिल, तो यहाँ पर इधर भी ऐसे करते हैं। ओ ये गलत, ठीक लगेगा तो पिलर लगाऊं इधर भी कोने पे, वैसे अच्छा ऐसे ही ठीक है, पिलर की ज़रूरत भी नहीं है। बढ़िया शानदार दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमने इसके चारों तरफ ले रहे हैं, क्योंकि फिर जो है ना इसे करोड शेप में कर देंगे, सारे सारे को करोड शेप में कर देंगे, तभी ठीक रहेगा। ये सीढ़ी होगी, अब नीचे जो है नीचे पट्टियाँ वगैरह लगा देते हैं इसमें चारों तरफ से, और जो पट्टी लगने के बाद और शानदार लगेगा। ये होगी पट्टी लग गई इसकी चारों तरफ से, इधर ये होगी पट्टी ये बंद, क्योंकि जो ये लकड़ी है ये कटी हुई जो है निशान अब दिखाई नहीं दे रहा। ये लगा दी हमने पट्टी इसमें, ये कहाँ पर लग गई, ये थोड़ी हो जाता है दोस्तों, गलती हर किसी से होती है, ऐसी बात नहीं है, कोई एक्यूरेट या परफेक्ट काम नहीं करता। तो ग्रास वगैरह अपनी हमने लगा दी है आगे, अब ग्रास से देख सकते हो आप लुक किस तरीके से लुक आ रहा। तो दोस्तों हमने जो कवर करा है ये फुलवाड़े से चारों तरफ कवर कर दिया इसे, ये हो चुका है फुलवाड़े से कवर। अंदर से देख सकते हो आप अंदर का नज़ारा किस तरीके का आ रहा, ये रहा अंदर से। तो यहाँ पर गेट भी हमने सेट कर दिया, क्योंकि ऐसा ना ज़ॉम्बीज वगैरह आते हैं तो गेट के अंदर घुस जाओ। ये हो चुका है शानदार, वाओ। तो अभी कुछ और रह रहा है लगाने के लिए, ये अब हमने ग्रास लगा दी, लेकिन ये कुछ खास नहीं लग रही ग्रास, चलो शीशा लगा देते हैं इसके अंदर, नहीं तो इसे चेंज कर देंगे बाद में, पहले ऐसे ही रहने देते हैं। कैसे लग रही है कमेंट करके बताओ ग्रास, वैसे देखने में तो शानदार सी लग रही है, लेकिन कुछ कलर बदलना पड़ेगा इसका। हाँ हाँ, यहाँ पर ये ग्रास सारी ये तो यहाँ पर ग्रास हमने लगाई, लेकिन कुछ अच्छी नहीं लग रही। दो लाइन लगा देते हैं बीच में, दो लाइन ग्रास की। ये दोस्तों हमने जो है आग लगा दी इसमें, देख सकते हो तुम। तो यहाँ पर हमने आग बुझाई इसमें, एकदम सी आग लग गई सारी, ये बुझ गई इसकी आग। ये हो गया माम, ये हो गया शांत। अब यहाँ से देख सकते हो तुम आप नीचे से किस तरीके से इसका जो है डिजाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक पिलर लिया, यहाँ पर एक लकड़ी कोने पर ठीक रहेगी, ये हो गया बंद। इधर से भी एक इसके ऊपर, ये हो गया मामला सेट। अब नीचे का ग्राउंड में चलते हैं, नीचे के बेसमेंट में, जो कि हमारा निचला बेसमेंट है। तो यहाँ पर पहले हमें जो है क्राफ्टिंग करनी है ग्रास वगैरह की, और ग्रास लगानी है शानदार वाली। तो पहले ये सीढ़ियाँ जो सीढ़ी वगैरह हैं इसे मजबूत कर दें पहले अपनी, फिर काम जो है जब जोड़ दें। तो नीचे से थोड़ा खुदाई करनी पड़ेगी, खुद पहले बीच में यहाँ से ग्रास हटाते हैं सारी ये, क्योंकि इसके थोड़े नीचे से सेट करेंगे मामला। यहाँ अच्छी नहीं लग रही है इतनी, हाँ इतनी मट्टी खोद दी है, क्योंकि इसमें जो है हमें क्या करना है, इसमें ग्रास लगानी है कि टॉप सी फुलवाड़ी, जो अलग ही है कि ऊपर से आए हम नीचे आकर आराम से घूम लो। तो यहाँ पर पानी के हमने जो है खड्डे जो है खोद दिए हैं पानी वगैरह के, क्योंकि पानी की भी ये हो गया ग्रास ऐसा ना, अगर पानी रहेगा तो ग्रास सूखने की ना, काफ़ी लंबे टाइम तक तो ग्रास ठीक रहेगी। यहाँ पर हो गया ठीक। अभी यहाँ पर उजाले के लिए हम लैंटर्न लगा देते हैं, यहाँ पर लाइट लगा दी हमने, ये लग गई लाइट। और इधर से सेट करते हैं पहले इसे पूरे को, जो बाकी जगह खाली है। तो इधर से हमने से खोद दिया है चारों तरफ से, मिट्टी से खोद दिया इसे, और खोदने के बाद इसमें कौन सी घास ठीक रहेगी, कोई नहीं इसे देखेंगे। वैसे इसमें अंदर घास ठीक रहेगी, वैसे इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर पहले जो है दिए लगा देते हैं, दिए मतलब कि ये सब जगह लाइट वगैरह, इधर कम लाइट है भी कुछ, यहाँ पर लग गई घास दोस्तों ग्रास, क्योंकि मैंने तो मिट्टी इसलिए खोदी थी ग्रास लगाने के लिए, जिससे शानदार सी लगे ये। तो काफ़ी शानदार लग रही है ग्रास देखने में, आप देख सकते हो। तो अलग अलग जो है ग्रास हमने लगा दी, और ये खुद भी जो है खुद सेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी उमज के, दो चार दिन में जैसे लगाई है खुद बड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हो सामने ये बड़ी हो रही है हाथों हाथ, ये हो गई बड़ी। इधर ये यहाँ पर जो है दोस्तों लाइट ऊपर धर देते हैं इसके, दो धरते हैं, एक अच्छी नहीं लग रही। या इधर फुलवाड़ी वगैरह लगा दें इसके बराबर में तो ठीक लग रहा, ठीक है। वैसे चलो
जैसा भी हो अंदर चलते हैं, पहले अंदर काम पूरा करते हैं क्योंकि अंदर काम होना ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रास, तो यहाँ पर हमने एक कपट रख दिया है संदूक सा, और अंदर चलते हैं। अंदर बेड वगैरह भी हमें धरना है, बेड वगैरह सोफे वगैरह लगाने हैं तभी कुछ अच्छा लगेगा। तो सारे में दोस्तों ग्रास वगैरह लगा दिया क्योंकि ग्रास से जो है, घास से जो है काफ़ी अच्छा लगता है मकान। तो ये सामान वगैरह धरने के लिए जैसे लगा देते हैं ये वो है। अब हमने इसके ऊपर जो है कुछ डिजाइनिंग वगैरह के कुछ सीट वगैरह लगाते हैं, तो सीट हमने डिजाइन की कुछ लगा दिया है। एक यहाँ पर लगा लेते हैं ये, हाँ ये बढ़िया रहेगा। कुछ खास ये तो ज़्यादा कर दिए। खैर तो कोई नहीं, पहले अंदर बेड वगैरह डालते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है। बाहर का तो हटा देंगे बाद में, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बाद में हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेड वगैरह हमने डाल दिया, और बेड के लिए सामान वगैरह धरने के लिए कपाट वगैरह धरनी पड़ेगी जिस पर हम अपना फ़ोन वगैरह धर सकते हैं, सामान धर सकते हैं सोने के लिए। तो यहाँ पर लाइट इधर कोने में ठीक रहेंगे, इधर नहीं इधर साइड में, राइट साइड में। तो बुक वगैरह धर दिए इधर, इधर कोने में रहेगा सेट, इसके बराबर में लियो कपाट। हाँ कपाट आ गई सामान धरने के लिए, ये हो चुका है शानदार। अब क्या बचा इसके अंदर, थोड़ा और रह रहा है, इधर लाइट होगी। अब पूरे घर में हो चुकी है लाइट, और बढ़िया वाली लाइट हो जाएगी, मंदी वाली लाइट नहीं। पोस्टर कौन सा रहेगा, अपने पोस्टर यही है, ये ठीक लग रहा। तो दोस्तों LCD, ये पोस्टर नहीं LCD थी ये, मैंने आपको पोस्टर बोल दिया। इधर साइड में लगा दिए ये, इधर भी ले लो कोने में। ये है दोस्तों टांड वगैरह, इसके ऊपर कुछ भी सामान लगा दो, चाहे कुछ भी धर दो। तो यहाँ पर जो है हमने दो कपाट जो है, दो हमने खिड़की वगैरह लगा दी हैं, कुछ भी सामान इसके अंदर धर सकते हो आप, मतलब आप नहीं मैं। इधर से हो गया, इधर भी हो गया, ये अंदर सजावट कुछ ज़्यादा ही होगी। अगर हमने और ज़्यादा सजावट करी तो अंदर का जो है होलिया सारा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए जितनी सजावट है इतनी रहने दी। तो बाहर का काम करते हैं, पैड़ी वगैरह लगाते हैं बाहर क्योंकि चलने के लिए, बारिश वगैरह पड़ जाएगी तो बारिश में जो है घास गीली हो जाएगी, तो घास पर पैर न धर के आराम से, जो मैं पैड़ी बना रहा हूँ इन पर पैर धर के आदमी बढ़ सकता है आगे। यहाँ पर इतना हमारा हाउस जो है तैयार हो चुका है। अरे किस तरीके का लग रहा है ये बताओ, ठीक लग रहा है ना, मजबूत। इस तरीके से नीचे से ऐसा दिखाई देगा और ऊपर से उस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग हमने कर दिया हाउस की, और आप जो है इसका वॉक राउंड ले सकते हैं सारे का। तो मैंने वॉक राउंड स्टार्ट कर दिया है, आप अंदर से बाहर तक का देखिए कि किस तरीके से हमारा घर लग रहा है। दोस्तों ये हमारी आज की मेहनत थी, और पूरी मेहनत करके मैंने जो है इस घर को बनाया है। तो कैसा लगा मेरा घर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियो, अगर मतलब कि ऐसी वीडियो चाहिए इसी घर के ऊपर, तो मैं आपके लिए और घर बनाऊंगा। तो अगली बार जो है मैं कुछ अलग डिजाइन से अलग तरह की लोकेशन पर घर बनाना है। तो आज जो है घर हमने ये बनाया है, अगली बार हम दूसरा घर बनाएंगे। तो नीचे से हमारी पार्किंग देखो, पार्किंग का भी एरिया काफ़ी बड़ा है, कोई छोटी मोटी पार्किंग नहीं है। ये रही, ये घास और बड़ी हो जाएगी तो इसे काट कर दूसरी लगा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूले, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।